हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बुद्धा पार्क के ऊपर, जो कि रवेंगला में पड़ता है और रवेंगला पड़ता है सिक्किम में। लेकिन दोस्तों, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मौसम थोड़ा सा साफ नहीं है। अगर कोशिश करेंगे, अगर जाते जाते इसके अंदर एंट्री करते करते अगर मौसम साफ हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ये वीडियो जितना मैं क्लियर बनाना चाहता था, क्योंकि बहुत बढ़िया पार्क इसको बताया जाता है, अगर उस तरीके से नहीं बन पाया तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंट्री करते ही सबसे पहले सबसे प्यारी प्रतिमा हमारे सामने आ गई है, स्लीपिंग बुद्धा। तो जब आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले यही आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रास्ते की तरफ। एंट्री करते ही एक अजीब सी वाइब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब भी कोई सिक्किम में घूमने आता है तो ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग आएंगे ही आएंगे। अगर जब सिक्किम के टूरिस्ट प्लेस का नाम आएगा तो पहले या दूसरे नंबर पर इसका नाम आ ही जाता है, क्योंकि अब पहले के नंबर और दूसरे नंबर में कन्फ्यूज़न ही है दोस्तों। क्योंकि जब सिक्किम का नाम आता है सबसे पहले लोग नाम लेते हैं गैंगटॉक का, और फिर जब जैसे घूमने की बात आती है तो सबसे पहले पूछते हैं लोग कि बुद्धा पार्क कहाँ है। तो ये है बुद्धा पार्क। हमारा आने का टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया है, हम बरसात के मौसम में आए हैं, और दोस्तों ये जो एरिया है यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जो पेलिंग का जो एरिया है जहाँ पे बुद्धा पार्क है रवेंगला में, तो यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। और जहाँ पर बर्फ़ गिरती है ना दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादातर मौसम आपको ऐसा ही मिलेगा, खासकर बारिश के टाइम पर। तो ये थोड़ा सा हो गया है कि हम सही व्यू कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो है, यहाँ पर जब बर्फ़ गिरती है तो इतनी इतनी सी हल्की हल्की सी एक लेयर बन जाती है, और उसके बाद में ये जो पार्क है वो और भी निखर के आता है। अब सामने देखिए, ये जो सीढ़ियाँ जाती हैं, यहाँ सिर्फ 50 फीट दूर बुद्धा की प्रतिमा है, लेकिन ये जो कोहरा है इसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अगर मान लीजिए मौसम साफ होता तो कितनी क्लियर और कितना गजब का व्यू होता है यहाँ पे। लेकिन चलिए शायद पास से दिखेगा। उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि नीचे जितना कोहरा था उसके हिसाब से हमें जो स्टैचू है, ये जो टेंपल है, इतने अच्छे से दिख पाएगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, एकदम से तेज हवा चल पड़ी, ऊपर वाले ने इतना कर दिया है कि हमें ये जो स्टैचू है काफी हद तक साफ दिखाई दे रहा है, इतना भी बहुत है। जब भी हम किसी बौद्ध टेंपल या फिर बौद्ध मोनेस्ट्री के पास जाते हैं तो उसमें जो चक्कर है वो क्लॉकवाइज लगाया जाता है, तो उस समय पर जो हमारा दाहिना हाथ है मोनेस्ट्री की तरफ या टेंपल की तरफ होना चाहिए, तो ऐसे राउंड लगेगा। और अब हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं यहाँ से। राउंड कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि मैंने कहा था पहली वीडियो के अंदर भी कि यहाँ पर कोई एक राउंड लगाता है, कोई तीन लगाता है, कोई पांच लगाता है, कोई सात, कोई तीस। कहने का मतलब जितना आप राउंड लगाएंगे उतना ही आपका माइंड स्ट्रेस लेस होगा और शांति मिलेगी। और दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, मानी का भी यही सिद्धांत है, जो मानी बना होता है यहाँ पे घुमाने के लिए वो भी यही होता है, उसका भी यही नियम होता है कि आप जितना उसको घुमाएंगे उतना ही आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो हवा तेज चल पड़ी है, शायद माइक के अंदर आपको आवाज़ भी आ रही होगी। पूरे के पूरे बुद्धा पार्क का जो व्यू है वो गजब है, और दोस्तों इस व्यू के लिए ही मैं यहाँ पे आया था। और अब तो हवा के चलते होते ना
कि बहुत कुछ दिखने लगे। आप देखिए ये जिस टाइम पे मैं आया था, ये जो पार्क आप देख पा रहे हैं, ये जो फुहारे देख पा रहे हैं, ये तो मेरे को खुद दिखाई नहीं दे रहे थे और अब कैमरे से दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो ये मान के चलिए जब यहाँ पे आया था मैक्सिमम कितना 50 फीट भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, अब वहाँ पे देखिए 500 फीट नीचे वो जो फुहारा है वो बिल्कुल क्लियर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो अब हम थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर सकते हैं ढंग से। तो एक बात है जो मुझे अभी पता चली है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जिस बुद्धा पार्क के अंदर हम लोग आए हैं, इसी बुद्धा पार्क से 13 किलोमीटर ऊपर एक टूरिस्ट प्लेस है माई नेमला, और वो सबसे ऊंचा टूरिस्ट प्लेस है। मैं सोच रहा था कि जो पेलिंग का जो स्टेशन है, जो टेम्पल था, वो सबसे ऊंचाई पर बना क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि ये सबसे लास्ट है, इसके बाद में इससे ऊंची चोटी साउथ सिक्किम में नहीं है। ये लास्ट टूरिस्ट प्लेस है साउथ सिक्किम का, इस साइड में बुद्धा पार्क से जब आप ऊपर जाएंगे तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अभी मौसम ख़राब है तो हम नहीं जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो देख के आ सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा वीडियो बना पाऊंगा, इतने अच्छे से मैं इस पार्क को दिखा पाऊंगा, लेकिन मौसम साफ हो गया और वीडियो अच्छे से बन गया। तो कैसा लगा ये वीडियो जो बुद्धा पार्क के ऊपर मैंने बनाया है, और बुद्धा पार्क पड़ता है सिक्किम के अंदर, और सिक्किम के जिस भाग में ये पार्क पड़ता है वो है रेवेंगला। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए।